लगातार ये कलाकार थे जो अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, और यहाँ पर इस फेस्टिवल को एक अलग आनंद देने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, और जो दर्शक थे, जो लोग थे, उन्होंने भी इस फेस्टिवल का पर आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह से प्रस्तुति यहाँ पर दी जा रही है। जी जसवंत, अनेक रंगों को समेटे है ये समारोह। आपको बता दें कि तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं, राजस्थान के तमाम लोग कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जसवंत, आपके साथ कुछ लोग खड़े हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनका रिएक्शन भी हमें बताएं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से यहाँ पर देखने के लिए, मैंने जैसे पहले बताया कि कई लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से यहाँ पर आए, चाहे विदेशी हो, चाहे देशी हो, चाहे राजस्थान के कई हिस्सों से यहाँ पर लोग हो, वो यहाँ पर आए। किस तरह से आप इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से आनंद ले रहे हैं यहाँ पर? सर, मैं हमेशा ये काइट फेस्टिवल यहाँ देखने के लिए आता हूँ। मकराना से मैं यहाँ आया हूँ, और बहुत ही बढ़िया ये जो काइट फेस्टिवल है पूरे राजस्थान में, ये बहुत ही बढ़िया मनाया जाता है। यहाँ देश विदेश से जो लोग आते हैं और इसका भरपूर आनंद लेते हैं। यहाँ कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं। फेस्टिवल में पुलिस की व्यवस्था बहुत बढ़िया रहती है, और हम जब ये स्पेशल तौर से काफी संख्या में मकराना से ये काइट फेस्टिवल यहाँ देखने के लिए आते हैं। आपने किस तरह से आनंद लिया इस फेस्टिवल का? हमारे यहाँ पे राजस्थान में जो ऐतिहासिक स्थल है, मतलब सिटी प्लेस, सवाई जयसिंह, सवाई मानसिंह, सवाई माधव सिंह, उनके टाइम से यहाँ पे काइट कॉम्पिटिशन चलता आ रहा है, और आज भी उसी तरह से यहाँ पे फेस्टिवल, इसी प्रकार फेस्टिवल मनाया जाता है। हर 14 जनवरी को, प्रत्येक 14 जनवरी को यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। तो बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह से जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है राजस्थान के मकराना से यहाँ पर आए, नागौर जिले में पड़ता है, वहाँ से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस फेस्टिवल के, सिर्फ इस फेस्टिवल का आनंद लेने के लिए, इसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो न केवल बल्कि राजस्थान के अलग अलग कोनों से, बल्कि विदेशों से भी, और हिंदुस्तान के अलग अलग जो हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं। राजस्थान की जो अलग अलग छताएं जो यहाँ पर होती है, अलग अलग तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर पेश किए जाते हैं। उसके अलावा पतंग माजी का जो आनंद है, पतंग जो उड़ाने का आनंद है इस जल महलपाल के ऊपर, वहाँ पर ये लोग यहाँ पर पहुंचकर इस पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इसी कार्यक्रम के तहत जो है वो लोग यहाँ पर जो है वो फेस्टिवल का पूरी तरीके से आनंद ले रहे हैं। जी, तो देश के साथ साथ विदेशी